नमस्कार। आज हम बात करते हैं अपने ओज को बढ़ाने की। ओज का दूसरा अर्थ है इम्यूनिटी। आयुर्वेद में ओज का बहुत महत्व दिया है और इसको बनाने के लिए इन्होंने आपको आहार, विहार और निद्रा, इन तीन चीज़ों का निर्देश बहुत ही उत्तम ढंग से दिया है। आहार में कोशिश यही करिए कि हमेशा फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स ही इस्तेमाल किया जाए। जितना भी जंक फूड है ये हमारा इम्यून सिस्टम को ओज को क्षीण करता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आहार के ऊपर विशेष ध्यान देना है। दूसरा विहार। विहार में आता है कि हमारे को नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में चाहे योग हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे ध्यान हो, इसके माध्यम से हमने अपने ओज की वृद्धि लगातार करनी है। और इसके अलावा विहार में एक और बड़ी उत्तम चीज़ आती है कि हमेशा अपनी पॉजिटिविटी को अटेन करके रखिए। द मोमेंट हम नेगेटिव होते हैं वो हमारी ओज की क्षमता को कम कर देता है। और उसके अलावा ज़रूरी है हमारी निद्रा। निद्रा 6 से 8 घंटे के बीच की निद्रा हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो भी बहुत साउंड स्लीप। अगर वो चीज पूरी ना हो तो हमारा ओज निरंतर क्षीण होता रहता है। और इस निद्रा के लिए हमें क्या करना है कि अपना एक टाइम सुनिश्चित करना है, जैसे जल्दी सोना, 9 या 10 बजे के बीच में सोना और जल्दी उठना। जल्दी उठने में ये होता है कि वैसे तो हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना, परंतु आप उसके अलावा बीच में कभी भी 5 से लेकर 6 बजे के बीच में आराम से उठ सकते हैं। इससे आपकी ओज में निरंतर वृद्धि होगी और किसी तरह की कोई बीमारी लगने की संभावना नहीं होगी।